Ready? 5, 6, 7, 8. जास्तीत जास्त श्वास घ्या. अप. डाउन. सेकेंड लास्ट. अप. होल्ड. डाउन. एंड लास्ट वन. अप. डाउन. यस. ठेवून द स्टेपर्स. पॅकअप. अभी जो आपने देखा ये इतना आसान भी एक्सरसाइज फॉर्मेट नहीं है. इसे हम स्टेप एरोबिक्स कहते हैं और यह कितने हर एक सेकेंड को हर एक स्टेप हर एक एंगल में खुद को मूव करना है. कभी राइट लेग है, कभी कभी लेफ्ट है, कभी जंप है, कभी क्लैप करना है. ये जितना देखने में आसान लगता है उतना करने में आसान नहीं है. मैं बार बार कहता हूँ कि योग्य व्यायाम का चुनाव जरूर कीजिए. योग्य व्यायाम किसे कहते हैं? जिसका अंग और प्रत्यंग को मद्देनजर रखते हुए जो व्यायाम करते हैं, जो व्यायाम किया जाता है उसको योग्य व्यायाम कहते हैं. अंग यानी कि बाहरी शरीर तो है ही, वजन बढ़ाना या वजन कम करना, लेकिन प्रत्यंग जो है हमारे जो ऑर्गन्स है, दिल है, फेफड़े हैं, बुद्धि है, सांस है, आते हैं, इनके व्यायाम के बारे में कौन सोचेगा. तो यही एकमात्र व्यायाम है. जब हम संगीत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे यहाँ पर ब्रेन वर्क कर रहा है. वो स्टेप्स हमें याद रखने हैं तो यहाँ पर भी हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है. अगर राइट से स्टेप करना है, लेफ्ट से करना है तो ये ऑर्डर भी पूर्ण संपूर्ण शरीर को ये ब्रेन ही दे रहा है. तो ये बुद्धि व्यायाम है और आप देख सकते हो नॉन स्टॉप एक्टिविटी है, यानी कि ये कार्डियोवैस्कुलर है. दिल की धड़कने जो है वो बढ़ती है तो ये जब दिल का काम ही है क्या सिर्फ धड़कना, तो ये दिल का व्यायाम भी है. और ये करते समय सांस भी फूलती है तो ये सांसों का भी व्यायाम है. तो ये योग्य व्यायाम का चुनाव कीजिए और जल्दी से जल्दी गो स्लिम ज्वाइन कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.